हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। ही आज कहाँ गया। इतना क्यूट है ये छोटा बच्चा। आप इंटरनेशनली भी सेंड कर सकते हैं और चार्जेस यहाँ पे बहुत मिनिमल हैं, और यहाँ से जो व्यू है ना वो भी बहुत अमेजिंग है, लैंडस्केप बहुत प्यारा है यहाँ का। अभी हम जा रहे हैं किब्बर की तरफ, जो स्पीति वैली का एक गांव है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बेस भी है। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, ब्लू शेप और बहुत सारे जानवर जो बहुत रेयर हैं यहाँ पे मिलते हैं। तो स्नो लेपर्ड के लिए तो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ठंडियों में बहुत लोग यहाँ पे कैमरा लेके पूरा दो दो चार चार दिन तक बैठे रहते हैं कि कहीं से भी एक पिक्चर मिल जाए स्नो लेपर्ड की। फिलहाल मुझे तो स्नो लेपर्ड नहीं दिखा, बट मुझे दिख गई ब्लू शेप। नदी की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि नदी थोड़ा डाउन जा रही है तो फ्लो ज्यादा है। देखना, ये सच में भाई बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है।
अभी कोई बर्फ नहीं है, शायद पिघल गई होगी या पड़ी नहीं होगी, नो आइडिया। अभी जो हम कुंजम पास पे हैं, तो इनका क्या है कि यहाँ पे ना दो धर्मों का मेल है। यहाँ पे आपको हिंदू धर्म भी मिलेगा और बौद्ध धर्म भी मिलेगा। यहाँ से आप जब मनाली की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ से हिंदू धर्म का कल्चर स्टार्ट हो जाएगा। पीछे की तरफ जाएंगे काजल की तरफ तो आपको बौद्ध धर्म का कल्चर दिखेगा। तो इसको बोलते हैं जो कुंजम पास है, वो दोनों धर्मों का समागम है। यहाँ पे आपको कुंजम माता का भी मंदिर मिलेगा और बौद्ध स्तूपा भी मिलेगा। गाइस अभी हम जा रहे हैं अल्टीमेट ट्रैकिंग ट्रेल पे, विच इज चंद्रताल। बाटल चंद्रताल में नहीं रुके, अब हम रुकने वाले हैं बाटल में। ये रहा फेमस चाचा चाची का ढाबा। हमने इनसे पूछा कि हम अपना कैंप लगा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, हम लोग को बोला कि ये स्पेस है, ये वाला, यहाँ पे आप अपना कैंप लगा सकते हो। हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी और खाने का आज हम खुद नहीं बनाएंगे, आज इनसे ही बनवाएंगे, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। चंद्रताल का रास्ता बहुत कड़ा था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था, तो पूरा बॉडी हिल गई है। तो आज हम इनके यहाँ ही खाएंगे और बहुत अच्छा व्यू है। अभी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि रात हो गई है, और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ 8:10 हो रहे हैं और अभी भी मतलब उजाला है, आकाश में दिख रहा है कि हाँ उजाला है, मतलब सूरज डूब चुका है बट वही शाम वाला उजाला है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और हवाएं भी इतनी नहीं है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, तो इतनी ज़्यादा हवाएं नहीं लग रही हैं यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं चाचा चाची के ढाबे पे, चाय पियेंगे और डिनर करेंगे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखाता चाहती हूँ, पानी भर रहे हैं ढाबा, दिस इज द कूलेस्ट प्लेस। लास्ट टाइम भी यहाँ पे आई थी, इनके राजमा चावल बहुत स्वाद होते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्कार जी, नमस्कार। This is the place. बहुत कोजी है, इनकी बैंड बजी हुई है आज। खैर मेरी बैंड तो मेरी भी बजी हुई है। चाय चाय चाय, थैंक यू सो मच। गर्म है ना एकदम, धन्यवाद। ठंडे है, बहुत ठंडे। कुछ और खाना है? अभी आके बहुत रिलैक्स लग रहा है, ऐसा लग रहा था कहीं बहुत अच्छी जगह आ गए, इतनी ठंडी लग रही थी। बहुत सो चाय है, मीठी, मुझे मीठी चाय पसंद है, वाली बड़ी मीठी है, मज़ा आ रहा है। गर्म भी कुछ गर्म
आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, लेकिन हाँ रात का डिनर दिखाऊंगी। राजमा नहीं बनाया आपने आज? देख लेना आप, आपका राजमा बहुत अच्छा होता है। चाय पी लिया? चाय पी लिया, बहुत तेज चाय पी मैंने। कर रहे हैं अपने प्लेट का, कितने मेरा का प्लेट आएगा? मेरा नंबर बहुत जरूरी है, बहुत फाइनली मेरा प्लेट। थैंक यू भैया, दिस इज अमेजिंग। नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, बट ठीक है, इट्स फाइन। खा के देखती हूँ उल्टे हाथ से।